नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जानकारी और स्वास्थ्य संबंध जानकारी और ऐसी जानकारी जिसका आप अपने जीवन में लाभ उठा सके लाने का प्रयास करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हो, धर्म ग्रंथों से संबंधित हो, जिसका उपयोग कर हम अपने जीवन में एक सही दिशा, सुख मार्ग की ओर बढ़ सके, वह समय समय पर मैं आप लोगों के बीच लाता हूँ। आज भी मैं आप लोगों के बीच शास्त्र में वर्णित एक बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हुआ हूँ, जिसका जो टॉपिक है वह है कलयुग में नागमणि है। ये आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इतना अच्छा वर्णन है, यदि हम इस चीज़ को फॉलो करें तो हमारा जीवन सुखपूर्वक बीत जाएगा। हर व्यक्ति के पास नागमणि होगी, कैसे बताते हैं। थोड़ा सा समय लूँगा मैं आपका। आज से 10-12 वर्ष पूर्व किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि गुरुजी ये नागमणि क्या होती है, क्या कलयुग में भी नागमणि होती है। तो मेरे से किसी ने पहली बार पूछा था और मुझे नागमणि की कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, उतनी ही जानकारी थी जितनी आप लोगों को होती है, जितनी हमने सुनी होती है, जितनी किताबों में पढ़ी होती है, जितनी हमने टीवी सीरियलों में देखी होती है। तो मैं उनको कोई संतुष्टजनक जो उत्तर था नहीं दे पाया। तो उसके बाद कई वर्षों बाद किसी व्यक्ति ने दोबारा मुझसे पूछा कि गुरु जी ये नागमणि क्या होती है, क्या कलयुग में ही होती है, कलयुग में भी होती है या ये पहले के ही सत्युग त्रेता द्वापर युगों में ही होती थी। तो मैंने कहा ये आपने एक बार किसी व्यक्ति ने पहले भी मुझसे पूछा था और आज आपने भी मुझसे पूछ लिया। तो मैंने उनको वही जवाब दिया, भाई जितना मैंने पढ़ा है कि ऐसे नागिन होते हैं, नागिन के उसमें जो मणि होती है वही नागमणि मानी जाती है और जिस व्यक्ति को मिल जाए तो उसके सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। एक रोड में रहने वाले व्यक्ति को मिल जाए तो वो महलों में चला जाता है, यानी कि फकीर भी अमीर बन जाता है, ऐसा नागमणि के बारे में कहा जाता है और था, जिसे भी जो भी कहें हम, क्योंकि जो हमने सुना है। तो वहाँ पर भी मैं उनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी इस चीज़ के पीछे काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया। मैंने उसके बाद लोगों से पूछा, जो बड़े बड़े आचार्य लोग थे, जो गुरुजी लोग थे और जिन्हें मैं जानता था कि विद्वान लोग हैं, भाई नागमणि होती क्या है। तो उनमें से मेरे को बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके के जवाब दिए, लेकिन एक जवाब जो मुझे मिला, जो मेरे दिल को छू गया, वही जवाब मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। और इतना अच्छा जवाब दिया, अगर कोई भी व्यक्ति उस जवाब को अपने लाइफ में, जीवन में लागू करता है तो वह व्यक्ति जीवन में हमेशा सक्सेस रहेगा, हमेशा सफल रहेगा और उसका संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। तो क्या उन्होंने उत्तर दिया बताता हूँ आपको। जब मैंने उनसे यह प्रश्न किया तो उन्होंने मुझसे यह पूछा कि नागमणि होती किसके पास थी, आप यह बताइए। मैंने कहा नागिन के पास। तो उन्होंने कहा कि नागिन क्या थी। तो मैंने कहा नागिन स्त्री थी, यानी कि फीमेल थी। तो उन्होंने कहा कि नागमणि तो आपके पास भी है, एक नहीं आपके पास ज़्यादा भी हो सकती है। मैंने कहा वो कैसे। उन्होंने कहा कि आपकी माँ नागमणि है, आपकी बहन है वो नागमणि है, आपकी बीवी है वह नागमणि है, या आपकी बेटी है वह नागमणि है, या परिवार में कोई और स्त्री है वह नागमणि है। तो मैंने कहा वो कैसे है। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्त्री में एक पुरुष से 16 गुना ज़्यादा शक्ति होती है और वह किसी भी चीज़ को आपसे 16 गुना ज़्यादा सह सकती है, और इस कलयुग में स्त्री के अलावा वह शक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं है। और नागमणि क्या चीज़ है, नागमणि एक शक्ति है और वह शक्ति जिसके पास रहेगी तो वह व्यक्ति जीवन में हमेशा ही आगे बढ़ेगा, जीवन उसका सुखपूर्वक बीतेगा। बस बात यह है कि आप उस शक्ति का उपयोग करते कैसे हैं, क्या उस शक्ति को आप हमेशा अपने पास संभाल कर रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। आप उनको जितना संभाल के रखेंगे, अर्थात आप अपनी माता, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी को जितना सुख देंगे, जितनी उनकी सेवा करेंगे, उतना आपका जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। वही काली है, वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। तो मैं सुनकर बड़ा अचरज में। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वह सब स्त्री की महिमा का गुणगान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर शक्तियों की भरमार है। तो आप कंफ्यूज ना रहें, वो ही असली नागमणि है इस कलयुग की, और इस कलयुग में कोई नागमणि नहीं होती है। नागमणि थी वह सत्युग त्रेता द्वापर युगों में, जो हमने कथाओं में सुनी वही थी, हमने भी नहीं देखी, हमने तो बस यही नागमणि देखी है और हम उसी की सेवा करते हैं और हमारा जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तो मित्रों, मेरे को बहुत अच्छा लगा है
तो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया बात, तो ये नागमणि वाली बात ऐसी आई, मैंने कहा चलो इस पर भी एक बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों के बीच में पहुँचा देता हूँ। तो बहुत बड़े बनारस के आचार्य थे वो, तो उन्होंने मुझे यह जानकारी दी। तो यदि आपको भी यह जानकारी पसंद आई, लोग कहते हैं नागमणि नागमणि, कहीं नागमणि नहीं होती है, बस हमारे घर में हमारी माता, हमारी पत्नी, हमारे जो अपने लोग हैं, जो स्त्री हैं, वही माताएं हमारी, मतलब क्या कहते हैं, नागमणि हैं, उनकी हम जितनी इज्जत करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। तो यदि आपको भी यह जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चैनल पर नए आए होंगे, तो ज्योतिष से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल पर देते रहते हैं, आप हमारे पूर्व के वीडियो भी देखें तो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमेशा ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। तो मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।